टोटल एड्रेसेबल मार्केट TAM TAM आज के इस वीडियो में हम समझेंगे व्हाट इज TAM एंड हाउ टू कैलकुलेट TAM इन अ बिजनेस। TAM एक क्रिटिकल वर्ड है, एक क्रिटिकल फिगर है और आपके बिजनेस के अंदर अगर आप अपने TAM को कैलकुलेट नहीं कर पाए तो आप अपने बिजनेस को बड़ा नहीं कर सकते, स्टेबलाइज नहीं कर सकते। तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। TAM टोटल एड्रेसेबल मार्केट के अकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे आपको A to Z इंफॉर्मेशन मिलेगा जिसको इंप्लीमेंटेशन करके आप अपने बिजनेस को और बड़ा कर सकते हैं और स्टेबलाइज वे में आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं मधुमिता स्वागत करती हूँ आपको इस वीडियो में। TAM इक्वल टू नंबर ऑफ एंड यूजर्स प्रोफाइल इन बीच हेड मार्केट इनटू एनुअल रेवेन्यू पर सच यूजर। आप समझते हैं एक बिजनेस के अंदर TAM तक मतलब टोटल एड्रेसेबल मार्केट वैल्यू तक पहुंचे कैसे। इस टर्म तक पहुंचने के लिए हमें दो स्टेप्स का सहारा लेना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप बॉटम अप रिसर्च मींस प्राइमरी रिसर्चमेंट, सेकंड टॉप डाउन एनालिसिस मींस सेकेंडरी रिसर्चमेंट। प्राइमरी रिसर्चमेंट मींस जब आप अपने कस्टमर के साथ फेस टू फेस ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे, डायरेक्टली उनको एनालिसिस करके कोई भी एनालिसिस रिपोर्ट आप रेडी कर रहे जिसके जरिए आप आगे चल के अपने बिजनेस में उन पॉइंट्स को यूटिलाइज करके अपने कस्टमर को समझते हुए अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज को डिजाइन करेंगे। और सेकेंडरी रिसर्चमेंट मतलब आप ऑनलाइन में हो या ऑफलाइन में हो डायरेक्टली अपने कस्टमर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे, आप इनडायरेक्टली अपने कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर रहे। सपोज आप कोई भी गूगल फॉर्म बना रहे जिसके जरिए आप सर्वेस कर रहे अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के अकॉर्डिंग अपने कस्टमर की इनर थॉट को समझने की कोशिश कर रहे, वहां पे आपको डायरेक्टली किसी भी कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ रहा है। आप एक गूगल फॉर्म एक बार बना देते तो उसको बार बार यूज करके आप अपने बिजनेस के अंदर अपने कस्टमर अपने टारगेटेड ऑडियंस की इनर थॉट को समझ सकते हैं। बट अगर हम प्राइमरी रिसर्चमेंट और सेकेंडरी रिसर्चमेंट की तुलना करें तो प्राइमरी रिसर्चमेंट ज्यादा हेल्प करता है आपकी मार्केट सेगमेंटेशन को समझने में, आपके टारगेटेड ऑडियंस को समझने में, उनकी इनर थॉट को ज्यादा से ज्यादा एनालाइज करने में और उनके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के अंदर इम्प्रूवमेंट लाने में जो आपके सेल्स में, आपके मार्केटिंग में, आपके हर एक स्टेप में आपको मदद करता है। अभी हम समझते हैं बिजनेस पोटेंशियल या रेवेन्यू पोटेंशियल क्या है। रेवेन्यू पोटेंशियल इक्वल टू एनुअल रेवेन्यू पर यूजर इनटू नंबर ऑफ एंड यूजर्स। TAM के प्रिंसिपल फॉर्मूला और रेवेन्यू पोटेंशियल के प्रिंसिपल फॉर्मूला को यूटिलाइज करके आप अपने बिजनेस के अंदर आपके बिजनेस की जो भी फिगर्स है नंबर से उनको पुट करके आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आपके TAM कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके रेवेन्यू पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम समझते हैं कि TAM के अकॉर्डिंग कैसे हम एनालाइज करें कि हमारा बिजनेस सही है या नहीं। अगर आपके बिजनेस का TAM $5 million से कम है तो आपका बिजनेस एक छोटा बिजनेस कहलाएगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि छोटा बिजनेस मतलब आपका बिजनेस अच्छा नहीं है, छोटे बिजनेस के अंदर भी आप अपनी प्रॉफिट वैल्यू ज्यादा बढ़ा सकते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा कमा सकते हैं, अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश बिजनेस के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक पॉपुलर ब्रांड के रूप में अपने ब्रांड को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये सारे चीज भी पॉसिबल है एक स्मॉल बिजनेस के अंदर, तो स्मॉल बिजनेसेस भी बहुत अच्छे होते हैं। बट अगर आप लार्ज स्केल में अपने बिजनेस को स्केल अप करना चाहते हैं तो आपके बिजनेस के TAM $20 million से $100 million तक होना जरूरी है। अगर आपके बिजनेस का TAM इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तभी आपका बिजनेस एक बड़ा बिजनेस कहलाएगा। अभी हम TAM के दो बेस्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे, उनके एग्जाम्पल के जरिए हम समझेंगे कि अपने बिजनेस के अंदर टोटल एड्रेसेबल मार्केट को किस तरह से हमें एड्रेस करना है, किस तरह से हमें एनालाइज करना है ताकि हम अच्छी तरह से अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश कर पाए। फर्स्ट एग्जाम्पल है फेसबुक। फेसबुक के बारे में आज हम सब लोग जानते हैं, फेसबुक आज यूनिवर्सली यूज होता है। बट इनिशियल लेवल पे जब फेसबुक एक स्टार्टअप था तब मार्क जुकरबर्ग का जो भी मार्केट साइज था वो बिल्कुल भी उनका विजन क्लियर था, वो क्लियर तरीके से सिर्फ USA के अंदर उन्होंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था। USA के अंदर भी उन्होंने पर्टिकुलरली आईवी लीग कॉलेजेस एंड सेकेंड एंड थर्ड ग्रेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए ही सिर्फ फेसबुक को इंटीग्रेट किया था, फेसबुक को उस तरह से डिजाइन किया था। जब फेसबुक का पॉपुलरिटी बढ़ा, लोगों को अच्छा लगने लगा, तब पब्लिक डिमांड के जरिए
फेसबुक यूनिवर्सली बिजनेस करना स्टार्ट किया और आज यूनिवर्सली फेसबुक के बहुत सारे यूजर्स से फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हाईएस्ट यूजर बेस कंपनी आज बन पाया है पब्लिक डिमांड के वजह से। तो फेसबुक के एग्जांपल से हमें यही समझ में आया कि हमें पहले अपने मार्केट साइज को समझना बहुत ही जरूरी है। अगर एक मार्केट साइज में हम एक बार टिक गए, उस साइज में हम एक बार सक्सेसफुल हो गए, तो ऑटोमेटिक पब्लिक डिमांड में हम अपने बिजनेस को आगे और बढ़ा सकते हैं और आने वाले टाइम पे यूनिवर्सल लेवल पे यूनिवर्सली उसको प्रमोट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा यूजर बेस बढ़ा सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है Quora.com। Quora एक क्वेश्चन एंड आंसरिंग का साइट है। Quora जब शुरू हुआ था तो उनके फाउंडर को पूरा क्लियर विजन था उनके मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में। उन्होंने सबसे पहले कंज्यूमर के लिए नहीं सोचा, उन्होंने सबसे पहले कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में सोचा और कंटेंट क्रिएटर के लिए इनवाइट ओनली कैटेगरी में इन्होंने काम शुरू किया था। शुरुआत में जब चंद लोगों को इनवाइट किया गया तो कुछ क्रिएटर्स आए और अपना कंटेंट क्रिएट करना उन्होंने Quora के अंदर शुरू कर दिया। धीरे धीरे और लोगों को इनवाइट करते गए और लोग जुड़ते गए, उन्होंने अपना कंटेंट क्रिएट करना कंटिन्यू किया और कंज्यूमर Quora.com के अंदर ऑटोमेटिक आए। जब कंज्यूमर को जरूरत पड़ा तो उनको बुलाना नहीं पड़ा, उनको इनवाइट नहीं करना पड़ा, कंज्यूमर ऑटोमेटिक आए। सबसे पहले क्रिएटर्स को रेडी किया गया, कंटेंट रेडी किया गया और ऑटोमेटिक कंज्यूमर आते गए और आज Quora.com इंडिया के अंदर बहुत अच्छे लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं अपने साइट के जरिए क्वेश्चन आंसरिंग को अच्छी तरह से अपने कंज्यूमर तक पहुंचाते हुए। कंटेंट क्रिएटर भी आज अपने कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और कंज्यूमर भी कंज्यूम कर रहे हैं। इस तरह से Quora.com का जो बिजनेस है वो ऑटोमेशन में अच्छी तरह से चल रहा है। तो कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले TAM मतलब टोटल एड्रेसेबल मार्केट को अच्छी तरह से रिसर्चमेंट करके उसकी वैल्यू को निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने अपने बिजनेस के अंदर टैम को कैलकुलेट कर लिया तभी आप अपने स्टार्टअप को एक सक्सेसफुल बिजनेस के रूप में आने वाले टाइम पे एस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपने ब्रांड की वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं और आप भी अपने बिजनेस के अंदर अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को एक पॉपुलर ब्रांड बना सकते हैं आने वाले टाइम पे। टैम आपके बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आज ही अपने बिजनेस के अंदर कैलकुलेट करिए और उस तरह से आगे अपने बिजनेस की प्लानिंग करिए ताकि आप अपने बिजनेस के अंदर एक सक्सेसफुल बेस क्रिएट कर सके, अपने कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट या सर्विसेज डिलीवर कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और अगर आपके मन में कोई सुझाव है किसी टॉपिक पर वीडियोस चाहते तब भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग वीडियोस बनाने की कोशिश जरूर करूंगी। और हाँ, अगर आपको मेरा काम पसंद आया है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने अपनों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।